ਤੱਕ ਗੁਨਤ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਆਜ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੇ ਹਮ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਰਾਈਡ ਪੇ ਗਏ ਥੇ ਹਮ ਜੋ ਰਾਮਨ ਸੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਤੇ ਹੋਏ ਗੰਗਾ ਕੀ ਤਰਫ ਏਕਦਮ ਚਿਲਡ ਵਦਰ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਬੜੀਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਏਕਦਮ ਬੜੀਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਥੀ ਉਹ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਤੀ ਏਕਦਮ ਕੂਲ ਹੋ ਕੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਜਾ। ਤੋ ਯੇ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੋਟ ਵੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਸਾ। ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪੇ ਅਗਰ ਆਪ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਛੋਟਾ ਸਾ ਵੈਸਟ ਸੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਯੇ ਇੱਕ कि आज हम रामबन से स्टार्ट हुई हमारी जर्नी तो हम वहाँ से निकले और गंगा की तरफ आए। ये रोड यहाँ से जाते हैं सीधा जमीन की तरफ जाते हुए ये रोड लोकेशन ऐसी वादियों में से होते जाती है कि हमें कश्मीर की याद आती है। और इसकी मतलब बनावट इस तरह से बनाई गई है कि दोनों साइड से इसके पेड़ हैं, पेड़ों के बीच में से जैसे वो सिंचाई की हुई है वैसे एक रोड निकाला गया है और ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ के वेदर को आप देखेंगे तो बहुत ही मस्त है। यहाँ पे लोग छुट्टी के दिन आना पसंद करते हैं। जैसे कि हम वहाँ से आए नेशनल हाईवे की लोकेशन देखोगे आप बिल्कुल खस्ता हालत है मतलब रोड की और यहाँ पर जो रोड है एकदम मस्त है। और हम जैसे ही निकले बहुत ही अच्छा लगा हमें आना यहाँ पर बहुत ही इंजॉय किया। तो अभी जैसे ही अमरीक राजपूत ने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, जैसे ही पहुँचे देखा यहाँ पे ठंड लग रही है हमें बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना ये बात हम आप लोगों से शेयर करें। और अभी आगे का हाल थोड़ा हमारे संजय वाली जी आपको बताएंगे कि इनको कैसा लगा यहाँ पे। आपको कैसा लगा? मैं आपको बताऊँगा आज के बारे में जो आज मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे तो मैं बहुत कम आया लेकिन इन लोगों के साथ आज मैं यहाँ पे आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, यहाँ का जो जबरदस्त होते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं यहाँ पे रामबली, वो इसी एरिया में बनते हैं। ये बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत खट्टी खट्टी चटनी बनती है, खाने को बड़ा स्वाद आता है। और ये आस पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ हैं उसके लगे हुए और उसके बाद यहाँ पे और भी ज़्यादा ग्रीनरी हरियाली खुबानी वगैरह वो मतलब बहुत सारी और चीज़ें मिलेंगी। और फिर उसके बाद जो यहाँ पे रोड जो है एकदम मस्त लग रहा है, एकदम ज़बरदस्त रोड लग रहा है। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम होता है, इवन कि आप ऐसा देखो अगर कंपेयर करो कि 0% ट्रैफिक यहाँ पे होता है, कोई ट्रैफिक कोई कुछ नहीं है, एकदम फ्री फास्ट होकर आप राइड कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, कोई ना टेंशन कोई फीचर कोई कुछ नहीं, मस्त होकर आप राइडिंग करो यहाँ पे। मैं तो आप सबको यही कहूँगा कि जब भी आपको टाइम मिले ये एकदम जैसे बता दें कि ये जो एरिया है अगर अभी हम पार्ले साइड पर देखिए रामनगर के और यहाँ पे एकदम से धूप चलेंगे क्योंकि इन्वायरमेंट हवा मिलेगी और तुम्हारी यहाँ पे इन्वायरमेंट का इतना इफेक्ट है सेफ किया हुआ है, इतना फर्क दौलत आज ये एकदम से हरा भरा है। तो जब भी ड्राइविंग करें तो हेलमेट जरूर लगा के चलें। हेलमेट बस हेलमेट आप देख रहे हैं, हेलमेट बहुत जरूरी चीज है, सेफ्टी फर्स्ट सेफ्टी है, अपनी सेफ्टी खुद रखो क्योंकि हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है हर हमेशा यही कहता है कि सेफ्टी
सेफ्टी के मतलब उनके लिए कोई वो खतरा नहीं है, खतरा हमें खुद पे है और हमें अपने खतरे को डालने के लिए इस चीज़ को यूज कर रहे हैं। लेकिन इसलिए मैं हमेशा इसलिए हम आपको ये कह रहे हैं कि ये जो हेलमेट है सेफ्टी फॉर एवरीवन एंड यूज इट ऑलवेज व्हेन यू राइड ऑन द बाइक। जब भी आप बाइक पर राइड करते हो जब आपका छोटा सा जर्नी होती है तो उसमें भी आपको हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है ताकि बहुत से लोगों की जान इसी हेलमेट से बचे, तो हेलमेट बहुत जरूरी है। ओके बाय। कदे हुंदा तेरा बिलो रोज दे नी कदे हुंदा तेरा प्रपोज दे साल च मनावे तू ता गिनती दे नी जट्टां दे ता घुग्गू नत्त जागी दे आ तेरे नाल डिनर नी होना बल्लीए नी मित्रा दा पैकेट है आ तेरे नाल डिनर नी होना बल्लीए नी यारा ना मनाउणा अज पैकेट है आ मुड़िया नी जाना छेती घरां नू रकाने मैं पार्टी दी जिम्मेवारी लै ली नी तू चॉकलेट नालों वध मिठा बोल दिया ते यार थोड़े ने चिर दे वैली नी स्टेप बड़े फब दे आ तेरे नाल डिनर नी होना बल्लीए नी मित्रा दा पैकेट है आ तेरे नाल डिनर नी होना बल्लीए नी यारा ना मनाउणा अज पैकेट है आ नी मित्रा दा पैकेट है आ तो मित्रा दा पैकेट है आ मम्मी कोलो पुछ के क्लब तू ता जावे नी टम्मी फिट माम जीन पाके नी पांच फुट ताही महका मारदा शनैल रख लली छलिया मैं रब ताके नी लली छली पूरी दब ताके नी वाइब साडी दोस्ता रहाई रहंदी है ओ माय गॉश तक हर कुड़ी कहंदी है बापू होरी भी ता पिंड लैंदे ने नजारे फुल लाण दे ड्रम खुले वगदे आ तेरे नाल डिनर नी होना बल्लीए नी मित्रा दा ही